नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार कांति न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। इस वक्त मैं नोएडा सेक्टर 119 में मौजूद हूं और ये परथला बाजार कहा जाता है, जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कहीं और से आए हैं और यहां पर काफ़ी सालों से रह रहे हैं। इनकी समस्या क्या है वो जानेंगे, क्योंकि इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है और मेरे एक सीनियर है उनसे भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है। तो समस्या क्या है सबसे पहले वो जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले इनका इतिहास कि कहाँ से आए हैं, सबसे पहले अपना नाम अंकल हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं। लक्ष्मी सिंह है, इलाहाबाद। अच्छा, तो अंकल आप कहाँ से आए, कितने सालों से रह रहे हैं? ये हो गए 15-14 साल। 15-14 साल? हाँ। अच्छा, तो अब दिक्कत क्या आ रही, इतने सालों से रह रहे हो, आज क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत ये कमेटी वाले तंग करते है। कमेटी वाले तंग? हाँ। क्या कह रहे हैं अंकल वो आपको? यही हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब कहाँ जाए हम, कहाँ नहीं करना, मकान ना हमारे, कहाँ जाके गिरेंगे? कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है हमारा। अच्छा, हाँ। तो योगी सरकार के अंदर में आता है ये एरिया, तो यूपी है, हाँ। नोएडा है, तो योगी सरकार तो इतना मेहरबान रहती है लोगों पे, तो अब आप क्या करेंगे अंकल? मैं एक काम करो तो हमें कहीं प्लॉट दे देंगे तो वहीं गिर जाएंगे। है अब ये जगह छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? है को घर ना मकान ना हमारे, है छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे जंगल में? अच्छा अंकल, आप ये बताओ, आप काफी बुजुर्ग लग रहे हैं यहाँ पे, कहाँ से वैसे आपका जो इतिहास, कहाँ से आए हैं आप? हमारा चित्तौड़ का लिखाश है, कई पीढ़ी का। अच्छा, जब कब आए थे वहाँ से, कब आए थे? कई पीढ़ी बीत गई है। क्या हुआ था ऐसा कि आपको आना पड़ा? महाराणा प्रताप का, अब तो इलेक्शन की लड़ाई है, पहले फौज की लड़ाई ही, फौज में इलेक्शन वो लड़ाई में महाराणा प्रताप हार गए है। है? जब आरे पे महाराणा प्रताप लिख रहे, जब के उसके पीछे लिखे हुए हैं। अच्छा, तब से आप बस यही है कि कोई ठिकाना नहीं है, जब से आप यहीं यहीं सुन ली, हमारी नेम पे ही उसके पीछे लिख रहे, तो रोड पे ही है ना, हम रोड पे रहते हैं। आप बताओ भैया कि अब क्या दिक्कतें आ रही है, जैसे आपके बच्चे जो है वो उनको स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो ये ऐसे कह रहे हैं कि सोमवार को कमेटी लेके आएंगे और तुम्हारा ये तोड़ फोड़ करके चले जाएंगे और यहाँ से तुम्हें जाना पड़ेगा। यहाँ स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे, आगे पढ़ाई का ही जमाना है, यहाँ से हटा देंगे तो हमारे बच्चों का ये बेकार हो जाएगा भविष्य, बच्चों का भविष्य क्या होगा। आप क्या चाहते थे, नोटिस दे पहले आपको? अब नोटिस वोटिस दिया नहीं है, वैसे तोड़ फोड़ करने के लिए आ जाते हैं, ऐसे कह रहे कि बिल्कुल यहाँ से जाओ, कहीं भी जाओ। अब सन 2007 से रह रहे हम। अच्छा। अब कोई कोई तो सुहाई तक करना चाहिए ना हमें। देखो, हम हैं खाना बदोश, हमें खाना बदोश, हम चित्तौड़गढ़ से निकले हुए हैं, हमें जब से जानते हैं गांधी जी, खानदान पूरा जानता है हमें। अच्छा। ठीक है जी, इंदिरा गांधी से लेकर नेहरू जी और सारा खानदान जानता है, और अभी ये सरकार जो आई है ये भी हमारे खिलाफ नहीं है। अच्छा, ये भी हम, हाँ जी, ये भी हमारे खिलाफ नहीं है, ये भी गरीब आदमी की मदद कर रही है। ठीक है जी, अब ऐसा है, देखो अठौती वालों को जैसा कहती है सरकार ऐसा ही करती है। ठीक है जी, अब जाए तो जाए कहाँ, बड़े बड़े बच्चे हो गए, बड़ी बड़ी लड़कियाँ होगी। अच्छा, जी आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? जी हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी लड़कियाँ हैं हमारे पास। अब हम ऐसे ऐसे इधर उधर चले जाएंगे तो बताओ लड़कियों को कहाँ लेकर जाएंगे, आप बताओ, बड़ी बड़ी जवान जवान लड़कियां हैं, वो बहुत दिक्कत की बात है। अच्छा ये बताओ आप मुझे कि जिस नोटिस किसी की तरफ से, कोई भी हमने किसी को नहीं दिया, हमारी नहीं, सरकार ऐसे जो, जो लोग आए थे उन्होंने आते ही आपको डायरेक्टली बोल दिया, ये नहीं बोला, नोटिस तो देते हैं ना कि कुछ दिन पहले नोटिस देते हैं, वो तो यही कहते हैं कि उठाओ जी यहाँ से साफ सफाया करो, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, यही करते हैं, किसी की किस बात का भी जिक्र नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, देखो हम महाराणा प्रताप के वासी हैं, राजपूत खानदान से हैं हम, हमारे तो लिए और सरकार यही शुरू से परंपरा से यही सहायता करती है कि हम जहाँ भी रहते हैं रोड पे रहते हैं, हमें कोई छेड़ता नहीं है, लेकिन अभी पता नहीं देखो क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो अब जैसे भी आ रहे क्या तुरंत हटाओ यहाँ से, अब बताओ तुरंत कहाँ जाएंगे हम। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों की वजह से किसी को दिक्कत हुई हो, किसी ने शिकायत करी हो कहीं किसी ने? नहीं जी, ऐसा तो हो नहीं सकता, हमारी वजह से कोई दिक्कत किसी को नहीं हो सकती है, कोई आता भी है अगर जो कोई कहता है कि ये हमें चीज चाहिए, अगर जो पैसे ना भी हो तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे एक नहीं बिकेगा तो दूसरे में निकल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताओ लगभग कितने ऐसे लोग हैं आपकी बिरादरी के? हमारी बिरादरी के यहाँ पर परथला सेक्टर 119 में करीबन भी ऐसी हो झुग्गी होंगी, 15-16 झुग्गी होंगी, ज्यादा सुबह दिल्ली में मिल रही है हमें। और अब हमारे बच्चे हो गए हैं सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पर पढ़ रहे हैं, स्कूल में सरकारी में पढ़ रहे हैं, वो सरकारी में पढ़ रहे हैं, बताओ यहाँ से हटके हम कहाँ जाएंगे और जवान लड़कियाँ कहाँ लेके जाएंगे जंगल में,
देखो पहले जैसा माहौल नहीं रहा है। वो तो बिल्कुल, हाँ जी। एक बार आप, यो लड़की है, इससे बड़ी लड़की है, हम कहाँ लेके जाएंगे? संसार खराब है, अगर यहाँ से चले गए तो और कहीं डेरा डालेंगे तो लोग भी इनको गैर नजर से देखेंगे, क्या क्या फायदा उसमें? हमारा रोजाना का कमाना है, क्या चाहते हैं? मतलब हमारे हम तो यही चाहते हैं कि हमें यहाँ रहने दो, बस यही मेहरबानी होगी इनकी। अगर वो आपको कहीं और जगह दे रहने के लिए, फिर हम चले जाएंगे, फिर हमारा ठिकाना हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। इससे तो हम थोड़ी ना किसी को ऐसा कहेंगे कि हमको यही रहना है, पक्का मिल जाएगा। इससे अच्छा खुशी की बात नहीं होगी हमें, अगर जो हमें ठिकाना मिल जाएगा ना तो हमारे लिए तो बहुत खुशी अच्छा, की बात है। ये बताओ मुझे, इतने सालों से रह रहे हो, आपको नहीं लगता पक्का ठिकाना तो होना ही चाहिए? कब तक ऐसे रहोगे? देखो ये तो बात है, होना चाहिए, लेकिन हमारा तो ये काम है कि पूरे दिन कमा लेते हैं, शाम को खा पी के सो जाते हैं। अब बच्चे हैं, आ रही है परेशानी, दवाई गोलियां, कहाँ तक हम बनाएंगे? छापना निकल गई, हम सोच रहे हैं कि बच्चे कुछ पढ़ लेंगे तो अपना, ज्यादा नहीं तो अपना हिसाब तो जोड़ लेंगे। आप बताओ पढ़ते हो? हम नहीं पढ़ते, हमारे लोंडे जो बच्चा है ये पढ़ता है। अच्छा ये पढ़ता है? हाँ। ये कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये सरकारी में पढ़ता है, अभी नाम ही लिखवाया इसका मैंने। अभी नाम ही लिखवाया? हाँ। तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, बार बार इधर उधर बदलवाएंगे तो उस पढ़ाई पे भी असर पड़ता है सब कुछ। आस पास ही है, गाँव में ही है स्कूल। अब ऐसे इनकी पढ़ाई पे भी असर पड़ेगा, माहौल भी बदलने से अलग बात। आप क्या चाहते हैं, एक बार आप हमारे चैनल तो ये चाहते हैं बस, ये हमें यहाँ रहने दे, रहने तो नहीं रहने देंगे तो हमें कोई ठिकाना दे दो कोई बढ़िया से, जो हम वहाँ रह ले, अपने बच्चों को भविष्य बढ़िया कर ले। बच्चों का भविष्य तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, एजुकेशन। सरकार भी यही चाहती है कि बच्चों को भविष्य बढ़िया दो, तो हम भी वही चाहते हैं, सरकार के नुक्ते पे चल रहे हम भी, मगर सरकार बस हमारी मदद करे यही चाहते हैं हम बस। बस हम तो ये चाहते हैं कि ऋतु महेश्वरी कृपा करके हमारी सहायता करे और हम गरीब लोग को यहाँ रहना दे। अच्छा आप उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो आप तो, बिल्कुल है ना? हाँ। क्योंकि वो तो रिक्वेस्ट करना हम चाहते हैं हमारे, तो अगर वो तो देखो उनके साथ जो अधिकारी आए थे वो तो जोर जबरदस्ती, हम दीदी देखो सेक्टर 6 में भी गए थे हम उनसे मिलने। अच्छा। पूरा दिन हम वहाँ पर रहे पड़े रहे। मिलने दिया आपको उन्होंने? किसी ने नहीं मिलने दिया, खाली पर्ची दे दी, फोटो खींच दिया और बोले के बाद में आना। हम भूखे प्यासे वहीं पड़े रहते थे, किसके लिए? बच्चों के लिए। उनसे भी विधायक से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द कुछ करे। अभी बच्चों का हमारे कभी हमको खाना मिलता है कभी नहीं मिलता, फिर भी हम यहाँ लोग रहते हैं, किस लिए? बच्चों के लिए। के पीछे शाम सर, शाम सर से ही मैं जानना चाहूँगी कि सर आप किस तरीके से देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि इतिहास में इन लोगों के साथ कुछ गलती हुई मुगल काल में, और जिसका दंश ये आज भी भुगत रहे हैं। और इनकी एक सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि ये अपनी संस्कृति, अपनी जबान सबको अक्षुण बनाए हुए यहाँ रह रहे हैं, और सरकार को इनको स्पेशल सहायता करनी चाहिए। और इतिहास का इतना 500 बरस 400 बरस पुराना दंश ये आज भी झेल रहे हैं, और जो अंग्रेज कर्नल टोड ने जो राजपूतों का इतिहास लिखा उस इतिहास में इनका कहीं जिक्र नहीं किया, जो सेंसस की राजनीति हुई उस राजनीति में कहीं इनका जिक्र नहीं हुआ, तो ये हाशिए पे क्यों रखा गया है? एक राज, मैं कोई जातिवाद नहीं करता हूँ, लेकिन एक नाते से चूँकि हिंदुस्तान का वो आदमी हिंदुस्तान का नहीं जिसकी जाति नहीं, तो योगी चूँकि राजपूत होते हैं और यहाँ के विधायक राजपूत होते हैं, मैं राजपूत हूँ कि नहीं ये ना पूछिए, लेकिन योगी चूँकि राजपूत होते हैं, यहाँ के विधायक राजपूत होते हैं, कम से कम उस नाते, कम से कम भगवान के नाते, जिस पेड़ पर घोंसले लगते हैं लगे होते हैं उसे उजाड़ते नहीं हैं, इस तरह से ये जो ये घोंसला है इनका, इसको दूसरी जगह इसका स्थान दें तब इनको हटाएं, नहीं तो ऐसा ना करें। और एक ऐतिहासिक जो ये इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका भी न्याय करें, और साथ में इनको दूसरी जगह रहने का स्थान दें तब यहाँ से हटाएं।